एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 8 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में बात करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो शायद ही कोई डाउट आपके मन में रह जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर के। साथ ही अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए आप दोनों ही क्वेश्चंस को एकदम आसानी से कर ले जाओगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 8 बेसिकली प्रिपरेशन मोटिव कंडक्ट के बारे में बात करता है। हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 2 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे लॉ ऑफ एविडेंस का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है चैप्टर 2 और इसके जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक। हमने सेक्शन 6 कवर किया है, एकदम डिटेल्ड लेक्चर है उस पर। हमने सेक्शन 7 कवर किया, आज हम सेक्शन 8 कवर करेंगे। तो सेक्शन 8 बेसिकली यही कहता है कि प्रिपरेशन मोटिव कंडक्ट इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू इज रेलेवेंट। फैक्ट इन इशू के रिलेशन में प्रिपरेशन मोटिव कंडक्ट रेलेवेंट माना जाता है और वो एडमिशिबल होता है इन द कोर्ट। इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने से पहले हमें इन तीनों ही वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से समझना होगा, राइट? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटिव का मतलब क्या है। आपके लॉ ऑफ एविडेंस में मोटिव के लिए जिस हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है हेतु। ठीक है, व्हाट इज मोटिव? मोटिव क्या है? मोटिव बेसिकली पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव, एम। व्हाट वाज योर रीजन बिहाइंड डूइंग समथिंग? किसी भी चीज को करने के पीछे आपका रीजन क्या था, आपका एम क्या था, आपका पर्पस क्या था, दैट इज योर मोटिव, राइट? तो मोटिव क्या है? इट इज बेसिकली रीजन फॉर डूइंग समथिंग। हम जानते हैं कि किसी भी क्राइम को कमिट करने के पीछे एक्यूज्ड का कोई मोटिव छिपा होता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा भी था कि ऑफेंस होने के पीछे का क्या मोटिव था हमें उसे पता लगाना चाहिए, राइट? तो मोटिव क्या है? इट इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड कमिटिंग द क्राइम, राइट? अब प्रिपरेशन का मतलब है तैयारी, राइट? आप अपने मोटिव को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से चीजों को अरेंज करते हो वो आपका प्रिपरेशन है, राइट? तो प्रिपरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस टू कन्वर्ट योर मोटिव इनटू रियलिटी। या आप कह सकते हो कि प्रिपरेशन मीन्स मेकिंग योरसेल्फ रेडी टू अकम्प्लिश द वर्क। ये है आपका प्रिपरेशन। व्हाट इज कंडक्ट? कंडक्ट क्या है? कंडक्ट बेसिकली आपका फिजिकल एक्ट या आपका बिहेवियर इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू, वो आपका कंडक्ट है, राइट? तो कंडक्ट क्या है? फिजिकल एक्ट। या हम कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ अ पर्सन वो क्या है? उसका कंडक्ट है।
अब देखो, अब मोटिव क्या है उसे हम डिटेल में समझते हैं। अब चाहो तो इन चीजों को अपने कॉपी में कहीं एक कॉर्नर में लिख सकते हो, ताकि आपको जो बेसिक चीजें हैं वो पता हो, ताकि ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो मोटिव क्या है? मोटिव बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है। ये आपके इंटेंशन को बताता है फॉर डूइंग समथिंग। किसी भी चीज को करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या था, दैट इज योर मोटिव। वो क्या है? आपका मोटिव है, राइट? अब जैसे हम जानते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को देखें, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो क्राइम के बेसिकली चार एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला एक्यूज्ड पर्सन, जो कि क्या है, रॉन्ग डूअर है, जिसने ब्रीच ऑफ लॉ किया है। दूसरा मेंस रिया, मेंस रिया क्या है? मेंस रिया बेसिकली आप कह सकते हो कि ये मोटिव है। मेंस रिया क्या है? मोटिव है। मेंस रिया का मतलब है व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड, किस लिए आपने कमिट किया क्राइम, व्हाई यू कमिटेड क्राइम, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कमीशन ऑफ क्राइम, दैट इज योर मेंस रिया। तो ये इंटरनल थिंकिंग ऑफ एक्यूज्ड पर्सन होता है, राइट? तीसरा हमारा है एक्टस रियस। एक्टस रियस यानी फिजिकल एक्ट। तो मेंस रिया बेसिकली क्या है? इंटेंशन है। अपने इंटेंशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो फिजिकल एक्ट किया वो आपका एक्टस रियस है। और लास्ट होता है इंजरी, ठीक है? तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देखें तो मेंस रिया इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। और यही जो मेंस रिया है वो क्या है? आपका मोटिव है, आपका इंटेंशन है। तो मोटिव बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई चीज करने के लिए एनकरेज करता है, राइट? मोटिव इज द बेस बिहाइंड कमीशन ऑफ क्राइम। कोई भी क्राइम कमिट करने के पीछे का जो बेसिक चीज होता है वो मोटिव होता है, राइट? बेसिकली सेक्शन 8 यही कहता है कि ऐसे फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू के रिलेशन में मोटिव को शो करे, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू के रिलेशन में एक्यूज्ड पर्सन के मोटिव को शो करें, वो रेलेवेंट माने जाएंगे और उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट एविडेंस की तरह काम करेंगे, राइट? अब जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर हम लें, मान लो ए, ये इलस्ट्रेशन आपकी बेरक में है, राइट? ए मर्डर बी, ए ने बी की हत्या की। अब देखो कहता है द फैक्ट दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी। तो कह रहा है कि अगर हम इन फैक्ट्स को नोटिस करें कि बी जो है वो जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया है, और बी अपने इस जानकारी का गलत फायदा उठा रहा था, He was trying to extort money from A. वो A से money, पैसे लेना चाहता था, और वो बार बार A को कॉल करके threaten करता था, धमकी देता था कि
अगर तुम मुझे इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं इस बात को पब्लिक में जा करके बता दूंगा, फिर तुम समझना तुम्हारा क्या होता है, राइट। तो इसी कारण ए मर्डर्ड बी, ए ने बी का मर्डर कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे ए के मोटिव को देखें बिहाइंड किलिंग बी, तो दो मोटिव थे। पहला, बी ये जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया है, पहला मोटिव। दूसरा, बी वॉज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी, बी बार बार उसे धमकी देता था और उसे पैसे ऐंठ रहा था। तो दीज वर द टू मोटिव्स बिहाइंड किलिंग बी। तो बी को मारने के पीछे मेरे यही दो मोटिव थे, राइट। तो मोटिव इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू रेलेवेंट माना जाता है, ठीक है, और एक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस की तरह काम करता है, राइट। चलिए अब देखो, अब एक बेसिक बात समझो कि अगर हम किसी क्राइम कमिट होने के पीछे के मोटिव को देखें, अगर हम किसी क्राइम के कमिट होने के पीछे के मोटिव को देखें तो कई सारे मोटिव्स होते हैं क्राइम कमिट करने के पीछे एक्यूज्ड का। जैसे राइट, मोटिव ऑफ क्राइम, क्राइम कमिट करने के पीछे के मोटिव को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला है डोमिनेंस, आप अपना प्रभाव दूसरे पे दिखाना चाहते हो, आप अपने आप को दूसरे से स्ट्रॉन्गर शो करना चाहते हो, तो एक ये है मोटिव बिहाइंड कमिटिंग क्राइम। दूसरा, योर एंगर। तीसरा, योर रिवेंज, आपका रिवेंज। और फोर्थ वन इज डिस्प्ले ऑफ परसीव्ड इनएडेक्वेंस, डिस्प्ले ऑफ परसीव्ड इनएडेक्वेंसी, विच मीन्स कि आपके अंदर फीलिंग ऑफ फ्रॉडुलेंट था, आपको ये लग रहा था कि ये पर्सन मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है या मुझे एक्सपोज कर सकता है। तो क्राइम कमिट करने के पीछे जो मोटिव होता है उसे हम चार कैटेगरीज में रख सकते हैं। हो सकता है एक पर्सन ने अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए दूसरे पर्सन का मर्डर किया, हो सकता है वो बहुत गुस्से में था और उसने अपने उस गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और क्राइम कमिट कर दिया, या वो रिवेंज लेना चाहता था, या उसके अंदर ये डर था कि वो पर्सन उसे एक्सपोज कर देगा, जैसे हमने ए और बी के केस में देखा, राइट। चलो अब एक केस आपको लिखना है। तो ये बेसिक चीजें थी, प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट को लेकर के। आगे हम इन्हें और भी डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्शन इन्हीं तीनों टर्म्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट। चलिए एक केस आप लिख लो, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर्टिकुलर केस में यही कहा गया कि नो मैटर हाउ हीनियस मोटिव ऑफ अ पर्सन इज, इट इज इररिलेवेंट अनलेस मोटिव इज कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। देखो, यू आर फ्री टू थिंक, आप सोचने के लिए आज़ाद हो, आप कुछ भी सोच सकते हो। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या सोचते हो, कितना हीनियस सोचते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के। जब तक आप उस मोटिव को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करते हो तब तक यू कैनॉट बी अरेस्टेड, आप अरेस्ट नहीं किए जा सकते हो, राइट। जैसे मान लो एक पर्सन कुछ भी सोच सकता है, राइट। मान लो वो सोच रहे हैं कि बी से मेरा दुश्मनी है, किसी दिन अगर बी मुझसे रास्ते में अकेला मिल गया
तो मैं चाकू से उसे घोंप दूंगा, मैं उसके कपड़े फाड़ दूंगा, मैं उसे उल्टा टांग दूंगा, तो वो सोचने के लिए कुछ भी सोच सकता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना हीनियस सोचते हो, अगर आप उस सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करते हो तभी आप गिल्ट माने जाओगे, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है कि एक पर्सन कितना हीनियस से हीनियस क्राइम कमिट करने के लिए सोचता है, राइट। मैटर ये करता है कि उसने क्राइम कमिट कर दिया। तो इसमें आप यही लिखोगे कि नो मैटर हाउ हीनियस मोटिव, ये मोटिव से जुड़ा एक केस है, हाउ हीनियस मोटिव ऑफ अ पर्सन इज, इट इज इररिलेवेंट, ये इररिलेवेंट है, इट इज इररिलेवेंट अनलेस इट गेट्स कन्वर्टेड into reality, right? Okay. So Keher Singh versus Delhi administration. Supreme Court ने R versus Palmer के केस में यही कहा था कि किसी भी offence के commit होने के पीछे का motive क्या था वो हमें पता लगाना है, right? तो वो केस क्या है, वो केस है आपका R versus Palmer, लिख लो। R versus Palmer. Supreme Court held that it is necessary to find motive behind commission of any offense. R versus Palmer, तो दो केस लॉज हो गए। अब मोटिव का एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि A was tried for murder of a young woman by cutting her throat with knife. A का ट्रायल चलता है कि उसने एक यंग वुमेन का चाकू से गला काटकर हत्या कर दिया है। कह रहा है द फैक्ट दैट अ वीक बिफोर मर्डर, तो अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें कि मर्डर होने से एक हफ्ते पहले वुमेन रिजेक्टेड हिज प्रपोजल टू मैरी विद हिम, वो पर्सन उस वुमेन के पास मैरिज का प्रपोजल लेकर के गया था जिसे उस महिला ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट है और एडमिशिबल है टू शो एज मोटिव ऑफ मर्डरिंग दैट वुमेन, उस वुमेन को मारने के पीछे का एक का मोटिव यही था कि वो उससे शादी करना चाहता था लेकिन उस महिला ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, राइट। एक और केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का केस, इसे हमने सेक्शन 6 में भी पढ़ा था कि जो एक्यूज था ही वॉज द फादर ऑफ अ चाइल्ड, वो ऑलरेडी एक बच्चे का पिता था, उसने एक महिला को मार दिया बिकॉज सी वॉज बींग प्रेग्नेंट बाय हिम बिकॉज he wanted to save his character, वो अपने character को save करना चाहता था इसलिए उसने उस महिला को मार दिया, right? तो ये उस particular person के motive को बता रहा है कि वो अपने character को save करना चाहता था इसलिए उसने उस महिला को मार दिया, right? एक और case है बाबू लोधी versus state of UP. तो आर वर्सेस रिचर्डसन का केस लिख लो।
वर्सेस रिचर्डसन। मौसम थोड़ा सही नहीं है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे दो वीडियोज आएंगे, राइट। एक ये जो पहला पार्ट है और एक और वीडियो कल परसों में आएगा, राइट। तो यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर दो वीडियोज हैं। देखो तो आर वर्सेस रिचर्डसन, एक्यूज्ड वाज, लिख लो आप, एक्यूज्ड वाज फादर ऑफ अ चाइल्ड, एक्यूज्ड वाज फादर ऑफ अ चाइल्ड ऑफ विच डिजीज वाज प्रेग्नेंट, ऑफ विच डिजीज वाज प्रेग्नेंट at the time, it was held to be relevant and admissible on the ground that accused wanted to save his character and dignity. ठीक है, ये हो गया। फिर एक और केस है, बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेयर देयर इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेबल नेचर द क्वेश्चन ऑफ मोटिव बिकम्स इररिलेवेंट। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर वर्सेस पामेर के केस में ये कहा कि क्राइम कमिट होने के पीछे का मोटिव क्या था वो हमें पता लगाना है। लेकिन बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ मोटिव है वो इररिलेवेंट हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये रिकॉर्ड हो गया है कि ए बी को चाकू से मार रहा था, तो आप इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते हो कि मेरा मोटिव नहीं था उसे मारना। क्राइम तो क्राइम है, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो उस केस में जो क्वेश्चन ऑफ मोटिव होता है वो इररिलेवेंट हो जाता है, राइट। यही कहा गया था बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। लिख लो, बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर देयर इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेबल नेचर इज अवेलेबल क्वेश्चन ऑफ मोटिव बिकम इररिलेवेंट। ठीक है, ओके। एक और केस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मुनिश मुबर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई पर्टिकुलर केस एंटायरली सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे बेस्ड है। देखो
इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है, इस पर भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार केस लॉज भी आते हैं। तो अगर आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस को अच्छे से इसी तरह विथ नोट्स एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज समझना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर लगभग आधे घंटे का लेक्चर है, आप उस वीडियो को अगर देखते हो तो आपका जो कंसेप्ट है सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेकर के वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई केस पूरी तरह से सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है, यानी डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो मोटिव होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वी हैव टू फाइंड आउट द मोटिव। मोटिव प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन केसेस विच आर बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, ठीक है, ओके। तो लिख लो आप, मुनीस मूवर वर्सेस स्टेट ऑफ मुनीश मुबर वर्सेस, जितना केस आप लिखोगे एग्जाम में उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, तो कोशिश करो कि आप केसेस ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मुनीश मुबर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन अ केस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, मोटिव प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, ओके। तो ये था मोटिव और मोटिव से जुड़े केस लॉज। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है, चलिए। प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन का मतलब तैयारी। आपने क्राइम कमिट करने से पहले क्या क्या तैयारियां की, वो रेलेवेंट माना जाता है, वो एडमिशिबल होता है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्रिपरेशन क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है टू कन्वर्ट योर मोटिव इनटू रियलिटी। आप अपने मोटिव को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया, किस तरह से आपने चीज़ों को अरेंज किया, दैट इज योर प्रिपरेशन, राइट। तो सेक्शन 8 ये कहता है कि ऐसी एविडेंसेस जो ये शो करते हो कि एक्यूज ने फैक्ट एंड इशू के रिलेशन में तैयारियां किया, एक्यूज ने फैक्ट एंड इशू के रिलेशन में तैयारियां की, वो सारे एविडेंसेस रेलेवेंट होते हैं। जैसे मान लो एक इलस्ट्रेशन है कि ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ए के ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि उसने बी की हत्या की, पॉइजन देके उसे मार दिया। तो कहता है कि अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें कि बिफोर द डेथ ऑफ बी, बी के डेथ से पहले ए प्रोक्योर्ड पॉइजन, ए ने पॉइजन खरीदा था और वो जो पॉइजन था वो वही था जिस पॉइजन से बी की हत्या की गई थी। तो अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ए ने बी को मारने के लिए तैयारियां पहले से कर ली थी, क्योंकि ए के पास से जो पॉइजन मिला था वो सेम पॉइजन था जिस पॉइजन से बी की हत्या की गई थी। तो ये क्या है, प्रिपरेशन को शो करता है। और प्रिपरेशन ऐसे एविडेंसेस जो एक्यूज्ड के प्रिपरेशन को शो करते हो इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू, वो रेलेवेंट माने जाते हैं एज पर सेक्शन 8, क्लियर। चलिए
ये पर्टिकुलर सेक्शन कंडक्ट के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो पैरा टू है वो कंडक्ट को डिफाइन करते हुए उसके स्कोप और उसके एप्लीकेबिलिटी को बताता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को आगे हम इतना सिंपल वे में समझेंगे कि ये सेक्शन ही आपको याद हो जाएगा, बस आप वीडियो एंड तक देखो। तो हम ये कह सकते हैं कि एविडेंस टेंडिंग टू शो दैट प्रिपरेशन, एविडेंस टेंडिंग टू शो tending to show that accused made preparation to commit crime is always relevant, वो हमेशा relevant होता है और admissible होता है, is always relevant and admissible। ये इलस्ट्रेशन आपके बैरक में है, आप वहां से लिख सकते हैं। अब देखो, ये तो प्रिपरेशन हो गया, अब हम बात करेंगे कंडक्ट के बारे में। कंडक्ट, तो प्रिपरेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टू कन्वर्ट योर मोटिव इनटू रियलिटी, मेकिंग योरसेल्फ प्रिपेयर्ड इज योर प्रिपरेशन। नाउ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है फिजिकल एक्ट, राइट। मोटिव जहां इंटरनल थिंकिंग है एक्यूज्ड का, वहीं जो कंडक्ट है वो एक्सटर्नल एक्ट है, उस पर्टिकुलर थिंकिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कदम उठाया इज योर कंडक्ट, ठीक है। तो कंडक्ट क्या है, बेसिकली अ फिजिकल एक्ट है, अ फिजिकल एक्ट टू कन्वर्ट योर मोटिव into reality, क्या हम कह सकते हैं, a physical act, a physical to give final shape to your preparation, a physical act to give final shape to your preparation, वो क्या है आपका conduct। सेक्शन 8 बेसिकली यही कहता है कि एक पर्सन का कंडक्ट अगर कंडक्ट ऑफ इंसिडेंट से डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, इफ कंडक्ट ऑफ अ पर्सन स्टेबलाइजेज अ लिंक विथ कंडक्ट ऑफ इंसिडेंट, वो रेलेवेंट होता है, एडमिशिबल होता है। लिख लो, कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, conduct of a person is relevant and conduct of a person is relevant and admissible if it stabilizes a link with conduct of incident। तो दो चीजें हैं, एक है कंडक्ट ऑफ इंसिडेंट और दूसरा कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। अब इसे समझते हैं, जैसे मान लो इलस्ट्रेशन आपके बैरक में, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा। आगे कहता है कि अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें कि आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, जब बी को लूट लिया गया तो सी ने ए के प्रेजेंस में कहा, शी सेड इन एज प्रेजेंस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेदर ए रॉब्ड बी, वेदर ए रॉब्ड बी, ठीक है, क्या ए ने बी को लूटा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें
कि आफ्टर बी वॉज रॉब, जब बी को लूट लिया गया, तो सी ने ए के प्रेजेंस में, सी इन ए'स प्रेजेंस, सी ने ए के प्रेजेंस में ये कहा कि लुक, द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर अ मैन हु रॉब्ड बी, देखो पुलिस आ रही है और उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने बी को लूटा है। अब ये सुनने के बाद ए इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स रेन अवे, ये सुनने के बाद ए तुरंत वहां से भाग जाता है। तो यहां अगर हम ए के कंडक्ट को उस इंसिडेंट से लिंक करके देखें, तो जैसे ही ए इस बात को सुनता है सी के मुंह से कि देखो पुलिस आ रही है और उस बंदे को ढूंढ रही है जिसने बी को लूटा है, और ये सुनते ही ए का वहां से भाग जाना, ए का ये जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट है और उसके अगेंस्ट एविडेंस की तरह एक्ट कर सकता है, राइट? अगर तुमने चोरी नहीं की थी, अगर तुमने बी को नहीं लूटा था, तो फिर तुम भागे क्यों? एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना कंडक्ट के ही दायरे में आता है, राइट? आगे हम समझेंगे। तो ये था, कंडक्ट ऑफ अ पर्सन इज रेलेवेंट इफ इट स्टेबलाइजेज अ लिंक विथ कंडक्ट ऑफ इंसिडेंट, क्लियर? चलिए अब एक केस है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। देखो इसमें कहा गया कि कंडक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग रनिंग अवे एंड स्टेटमेंट ऑफ क्राइम साइमल्टेनियसली इज रेलिवेंट एंड एडमिशिबल इन कोर्ट। लिख लो, कंडक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार होना, रनिंग अवे, कंडक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग एंड क्राइम इन स्टेटमेंट इज रेलेवेंट एंड एडमिशिबल। आगे जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि मेयर स्टेटमेंट केवल एक पर्सन का स्टेटमेंट कंडक्ट के तौर पे नहीं कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर एक पर्सन भाग रहा है और भागते भागते वो कुछ बोल रहा है, जैसे मान लो एक पर्सन जो कि हैवीली इंजर्ड है, उसके पूरे शरीर पे जगह जगह जख्म है, ब्लीडिंग हो रहा है उससे, और वो भागते भागते कह रहा है कि देखो बी ने मेरे साथ क्या कर दिया है, बी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये चीज़ वो चिल्लाते चिल्लाते बोल रहा है, भाग रहा है। तो यहाँ पे उस पर्सन का भागना और साथ ही में रोते रोते भागना, स्टेटमेंट ऑफ क्राइम, ये क्या है, रेलेवेंट है और एडमिशिबल है इन द कोर्ट। तो हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में यही कहा गया कि स्टेटमेंट ऑफ पर्सन, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन प्लस हिज कंडक्ट टुगेदर क्या है, रेलेवेंट है, टुगेदर रेलेवेंट एंड एडमिशिबल, ठीक है? ओके, आइए हम कंडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्ट।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्ट. पहला कहता है अटेम्प्ट टू थ्वार्ट THWART which means जब आप कोई पर्सन को रोकने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि वो पर्सन वो पर्टिकुलर एक्ट ना करे, तो ये भी आपका कंडक्ट है और आपके अगेंस्ट एडमिशिबल है. जैसे मान लो कि दो पार्टीज थी ए और बी, ए के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया बी के द्वारा कि उसने सी का मर्डर कर दिया है पॉइजन दे करके, राइट. अब ए कोर्ट को बार बार प्रोहिबिट कर रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सी का मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो. तो ए का कोर्ट को रोकना ताकि सी का मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो, ये ए के अगेंस्ट रेलेवेंट है. तो ये क्या है, ए का कंडक्ट है और ये क्या है, रेलेवेंट है इन द कोर्ट कि अगर ए सच में इनोसेंट है तो वो क्यों नहीं मेडिकल एग्जामिनेशन कराने देना चाह रहा है शी का, राइट. तो अटेम्प्ट टू थॉट. दूसरा कहता है डिस्ट्रॉइंग एनी एविडेंस, कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय करना कंडक्ट के दायरे में आएगा. डिस्ट्रॉइंग एनी एविडेंस. तीसरा प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करना कंडक्ट के दायरे में आएगा. प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस. नाउ फोर्थ वन, थ्रेटनिंग ऑफ विटनेसेस, गवाहों को डराना धमकाना कंडक्ट में आएगा. थ्रेटनिंग ऑफ विटनेसेस. और एब्सकॉन्डिंग, फरार होना. एब्सकॉन्डिंग ये भी कंडक्ट में आता है, राइट. अब हम बेयर एक्ट कैसे सेक्शन 8 को डिफाइन करता है और किस तरह से कंडक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं बेयर एक्ट में, उसे हम अपने दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, राइट. तो आज हमने इन सिंपल वर्ड्स सेक्शन 8 को समझा. बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने किया था इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको समझाने के लिए. तो आई होप कि ये जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर हम इन शॉर्ट सेक्शन 8 क्या कहता है उसे समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 8 बेसिकली यही कहता है कि फैक्ट इन इशू के रिलेशन में किसी पर्सन का जो मोटिव है, फैक्ट इन इशू के रिलेशन में एक्यूज्ड का मोटिव रेलेवेंट होता है, फैक्ट इन इशू के रिलेशन में एक्यूज्ड का प्रिपरेशन रेलेवेंट माना जाता है, फैक्ट इन इशू के रिलेशन में एक्यूज्ड का कंडक्ट रेलेवेंट माना जाता है और एडमिशिबल माना जाता है. तो आई होप प्रिपरेशन क्या है, मोटिव क्या है, कंडक्ट क्या है और ये क्यों रेलेवेंट और एडमिशिबल होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो मिलते हैं कल इसी पर्टिकुलर सेक्शन के दूसरे पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.